जैसे हम लोग अंबिकापुर से निकले वैसे ही मतलब एक जगह एक्सीडेंट हो जा रहा था। मतलब भाई पेट्रोल बचाने के चक्कर में ऐसे रंगा रहा है उतना दूर से लेकर। हे गाइस, वेलकम बैक श्वेता कुछ व्लॉग्स चैनल। और अभी मैं फिर से लेकर के आऊंगी आप लोगों को छत्तीसगढ़ से बाहर का व्लॉग। और मैं आज जा रही हूँ बनारस, और अभी मैं फिलहाल पूरा रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं निकलने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड बस स्टैंड पहुंची गई होगी, मेरे को भी देर हो रहा है तो 20 मिनट में मेरे को पहुंचना है। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताऊंगी कैसे पहुंचूंगी, कैसे जाऊंगी, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। तो शोभा कैमरा में दिखने के लिए पूरा एकदम वो कर रही है। तो टाटा बाय बाय शोभा, मैं मिलती हूँ 4-5 दिन बाद। तू नहीं खाई, भूल गई। ओके कोई बात नहीं, तू खा लेना, ठीक। फिर ज़्यादा घूमना मत, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू, चलो ठीक, बाय। गाइस अभी मैं बस स्टैंड पहुंच गई हूँ और उस साइड में आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा करके दिख तो नहीं रहा है, वो वाली बस है शायद मेरी। और मेरा भाई पेट्रोल बचाने के चक्कर में ऐसे रंगा रहा है उतना दूर से लेकर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया करके आ रहा है पैदल पैदल। पेट्रोल बचत, पता नहीं ऐसा कौन बचत करता है, वो भी 100 मीटर की दूरी के लिए। ये हमारी बस दिख तो बड़ा अजीब, बाहर से तो बड़ा गंदा दिख रहा है। हाँ बोला तो यही है, अब पता नहीं गाड़ी नंबर वो तो 47-46 अच्छा क्या बोलते हैं 86। और ये हीरोइन मुंह फेर रही है, तुम ऐसे ना मुंह फेरा करो। कुछ खा लेती यार, भूख लगी। चल ना खा लेते हैं कुछ। क्या खाएंगे? कुछ भी खराब नहीं होने वाला। 19-20 से 19-20 यार, 19-20 तो बहुत पीछे होगा क्या? ओ भाई 19-20 अब गिनती करते आऊं क्या? उधर से दिख ही नहीं रहा है नंबर। इधर भी गिनती करना भी है। यार ना पीछे दे दिया क्या नंबर? देख ऊपर, देख ना ऊपर। यहाँ पे यार इतना पीछे, ये देखो हम लोग का सीट इतना कोंटा में। यही वाला है कि और पीछे है? यही वाला होगा पक्का, शायद 28-27 वो होगा ना। गाइस ये यहाँ का बस स्टैंड है और यहाँ पे ऐसा है कि प्राइवेट बस स्टैंड और गवर्नमेंट बस स्टैंड अलग अलग स्थान पे है। तो हम लोग अभी हैं प्राइवेट बस स्टैंड पे, तो हम लोग को यहाँ पे पटक दिया है और हम पहुँच गए हैं बनारस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और मैं अभी बनारस पहुँच गई हूँ और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अंबिकापुर से बनारस कैसे पहुँची। जो हमारी टिकट थी वो पर पर्सन 700 रुपये, और भी हम लोग सीट में आए इसलिए लोअर बर्थ 1000 लेते थे पर पर्सन और अपर का भी 700। और हमारी हालत इतनी ख़राब थी बस में कि क्या ही बताएं। मतलब जैसे हम लोग अंबिकापुर से निकले वैसे ही मतलब एक जगह एक्सीडेंट हो जा रहा था। मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि बाइक वाला अचानक से टर्न किया, तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग तो लग रहा था कि सीधा नीचे आ गए रोड से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही सलामत अभी हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये हमारी टिकट, और अभी मंदिर के पास में बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे क्या है, बस स्टैंड में, बस स्टैंड के पास आने के बाद आप लोगों को ना शौचालय के लिए बहुत भटकना पड़ेगा। तो आप लोग शौचालय जाना चाहेंगे तो जो प्राइवेट बस स्टैंड है उससे लगभग 100-150 मीटर की दूरी में एक शौचालय, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। पर जो ऑटो वाले बहुत धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनके बातों में मत आइएगा। आप लोग वहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं, फिर उसके बाद जहाँ जाना है जा सकते हैं। फिलहाल तो मैं एक मंदिर के पास बैठ करके इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और हमारा सफ़र अच्छा भी रहा, ख़राब भी रहा। अंबिकापुर से बनारस आने के बीच में हम लोग बीच में एक डिनर के लिए रुकी थी बस, पर हम लोग किए नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, कहाँ वहाँ पे करेंगे। और वैसे ही हम लोग पहुँच गए बनारस, और अभी फ़िलहाल बनारस एक घाट के किनारे बैठी हूँ। और पुलिया तो देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा हम लोग अभी ना फ्रेश हुए हैं ना कुछ नहीं, चुपचाप आ करके बैठे हैं, आरती सुन रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं है।
अब देखते हैं इसके बाद में कहाँ जाना है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।